कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला करके इस कानून में बदलाव किया जाए। पूरा जो समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के सभी पार्टियों का, हमारा किसानों का आंदोलन के साथ है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव का हंगामा जारी है, लेकिन जब तेजस्वी यादव को गांधी मैदान के अंदर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई, तो उसके बाद तेजस्वी यादव कुछ सिपाहियों के साथ गांधी मैदान में खुद चले गए। उसके बाद उन्होंने गांधी मूर्ति के नीचे नीतीश कुमार के साथ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति देश में बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार है कि तनाशाही रवैया अपनाए हुए है। यहाँ पर जो सरकार है वो पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। किस तरीके से तेजस्वी यादव हल्ला बोल रहे हैं आप खुद सुनिए। पालने का काम करता है, उसको फसल का सही कीमत नहीं मिल रहा, और इस पूरे बिल में फसल की कीमत MSP का जिक्र कहीं नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहीं नहीं। साफ तौर पे दिखाता है कि किसानों का पूरी तरीके से शोषण किया जाएगा। हमारे देश के किसान पहले से ही कमज़ोर होते चले गए हैं, बड़ी संख्या में आत्मदाह करते हैं, कर्ज लेकर के काम करते हैं, और उनको जो है सही कीमत जो है वो नहीं मिल पा रही है फसलों की, उनकी मेहनत की जो देश का पेट पालने का काम करते हैं। तो देश का नारा था जय जवान जय किसान, आज पूरी तरीके से तानाशाह तरीके से मौजूदा सरकार जो है किसानों पर, नौजवानों पर, नौजवान बेरोजगार हो चुका है, कोई काम नहीं। इसमें 3.5 किसान को सही मूल्य नहीं मिल रहा, आय दुगुना नहीं हो रहा, चाहे मजदूर हैं उनकी स्थिति क्या हुई कोरोना काल में, सब लोगों ने देखने का काम किया। तो हर जगह जो है, हर कोई चाहे छोटे मोटे व्यवसाय, हर सेक्टर जो है इस सरकार ने तबाह, बड़े जोश फरोश के साथ ये कानून लाया गया था, नोटबंदी का, GST का, उससे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा सी गई ये सब लोगों ने देखा। तो हमारा तो साफ तौर पर ये कहना है कि ये मौजूदा जो सरकार है ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथों में, और हम लोग जो हैं अन्नदाता के साथ डटे हुए हैं, खड़े हैं, और पूरा जो समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के सभी पार्टियों का, हमारा किसानों का आंदोलन के साथ है। जो भारत बंद करने की भी बात कही गई है 8 तारीख को, उसमें भी हम सभी लोगों का समर्थन है। दूसरी बात, सब लोग हम लोग महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने खड़े हैं, हम सब लोग यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि हम सब लोग देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या विकास की बात हो, देश की तरक्की कैसे हो, राज्य की तरक्की कैसे हो, इस पर हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने 2006 में APMC जो बाजार समिति, जो मंडियां थी, वो खत्म कर दिया। इसका कारण हुआ कि बिहार के किसान जो है बिचौलियों के हाथ में, और पूरी तरीके से उनका शोषण हुआ, और सब तरीके से जो है बिहार के किसान किसानी छोड़ करके मजदूर ही करने लगे, और आज ये स्थिति आ गई कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं घर से पलायन करते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग सब लोग यहाँ हम लोग संकल्पित हो, संकल्प ले कि जो मौजूदा जो सरकार, तत्काल हमारी मांग रहेगी कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला करके इस कानून में बदलाव किया जाए, और MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कहने से नहीं बल्कि लिखित तौर पर जो है देने का काम करें, और किसानों के हित में बिल पास करें। आज हम लोग यहाँ गांधी जी के पास जुटे, आप सब लोग जानते हैं कि जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, आज उनका पटका आगमन हुआ है, और आज हमारे बापू जी को कैद कर दिया गया है।
तो सब लोगों का समर्थन हम लोगों का लोगों का रहा। इसके वजह से प्रशासन ने कुछ चंद लोगों को अनुमति दी है, लेकिन गांधी जी के सामने आकर के माल्यार्पण करना, संकल्प लेना और किसान के हित में खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। किसानों का आय दुगुना हो उसके लिए आप खड़े हैं, किसान का हित यानी देश का हित। तो हमको लगता है संकल्प कौन सी सभा है यहाँ? सभी लोगों की अपनी सब तो क्रिकेट तो खेल ही रहा है यहाँ। समस्या है, आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों पर दबाव है। तो हम लोग तो निष्पक्ष लोग हैं, न्याय के साथ खड़े रहते हैं, सबको सहयोग करते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से हम सब लोग चाहेंगे कि संकल्प हम पढ़ेंगे, उसको आप लोग जो है दोहराने का काम करें।